पिया। कौन सा वाला? ये वाला। हाँ ये वाला ब्रेक सेटअप है, लेकिन ये वाला सामने देने का रीजन क्या है? नहीं, बिकॉज द ब्रेक यूजुअली दे गिव इट हियर। ओके, तो इफ यू सी योर व्हीकल, इट इज राइट हियर बैक साइड। नो नो, इट इज हियर एक्चुअली। हाँ इट इज हियर। नहीं, फुटरेस्ट का बोल रहा हूँ, फुटरेस्ट इधर प्लेसमेंट आया। ये फुटरेस्ट सामने है एकदम। हाँ मैं तेरा वाला बोल रहा हूँ। हाँ, 350 का इधर आएगा, एंड दिस वन वुड बी प्लेस्ड हियर। नाउ दिस इज दे हैव मोर इट लिटिल फ्रंट बिकॉज द फुटरेस्ट इज प्लेस्ड हियर फॉर द अपराइट पोजिशन सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब हियर। सो दे हैव नाइसली प्लेस्ड हियर। आई थॉट दिस इज एन हाइड्रोलिक क्लच सेटअप बट इट्स नॉट। दिस आल्सो इज ओके, इट्स लुकिंग गुड ओनली। माई कलीग ही इज़ वेरी मच एक्सपर्ट इन बाइक। आप मुझसे क्या जानते हो, मेरे से भी ज़्यादा इसको नॉलेज है। विच वन यू आर राइडिंग? क्लासिक 500। क्लासिक 500 फॉर हाउ मेनी ईयर्स? इट्स ऑलमोस्ट बिन इट्स गोइंग टू बी 10 ईयर दिस ईयर। 13 का मॉडल है। 13 का मॉडल है। हाँ 2013 का मॉडल है। It's been quite a long time since I've associated with that bike. So actually I was asking him what shall I do? Shall I go for चेंज माई? आप लोगों से पता ही है आई एम इन बिग कन्फ्यूजन राइट नाउ आफ्टर यस्टरडेज लॉन्च। शैल आई गो फॉर 650 सुपर मीटियर और नॉट? क्या बोलते हैं? योर थिंकिंग एक्चुअली जस्ट रॉ थिंकिंग। आई जस्ट वॉन्टेड टू प्रेजेंट एज रॉ एज दैट। नहीं अभी लॉन्च हुआ है, अभी देखते हैं कि कैसा what would be the market reaction and everything. Looks good, looks very promising. But देखते हैं कैसे एक बार ही टेस्ट ड्राइव करके। But what do you think, what are the factors shall I consider for changing Meteor to 650? तेरे को क्या बोलते हैं? अभी तक तो हम लोग ने देखा ही है, इसने अभी तक देखा भी नहीं है, तो तेरे को क्या लगता है कि क्या क्या फैक्टर हम लोग को चेक करने चाहिए? पहला तो इंजन तो सिक्स इंटरसेप्टर का दे हैव स्टॉल्ड द सेम इंजन हियर, तो इंजन का परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी देखा है इंटरसेप्टर में। कॉन्टिन्यू इंजन इज वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी वेरी पावरफुल इंजन। सो आई थिंक द क्रूजर दे हैव लिटिल रीमैप्ड विद द ईसीयू, सो दे हैव दे यू वोंट हैव दैट क्विक पावर व्हाट यू हैव इन द इंटरसेप्टर एंड कॉन्टिनेंटल जीटी। ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी लीनियर जस्ट लाइक अ क्रूजर वॉन्ट्स। बिकॉज़ एक्चुअली माय मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स आर होल्डिंग मीटियो 350, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है। तुझे क्या लगता है कि मतलब यदि somebody wants to change, suppose I want to change, like I am speaking behalf of them, means what shall I consider, what all the factors shall I consider it if I really want to change it? जैसे एक क्रूजर होना चाहिए, it is there. They have given all the a basic need of a cruiser. So you can really, if you want a cruiser, if you want to go for a long ride, I think even you can manage with the city rides also. Shouldn't be a problem. No, this is good for city rides only because the seat low is it is very low. City and as well as highway rides also. Highway ride also, but not for the off-roading. Off-roading I wouldn't recommend. Yes. But if you come across any small patches, that's I think that can handle it. Okay. But otherwise, yeah, it is. And the best part is that मुझे जो मेरे दिमाग में जो चल रहा है, ये तेरा ट्यूबलेस टायर है जो इंटरसेप्टर में तेरा था नहीं, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड जो तेरा फैक्टर है कि ये तेरा बॉबर लुक दिया हुआ है, इक्विवेलेंट टू बॉबर। अभी तेरा इस रेंज में तेरा इंडिया में बॉबर नहीं है, इधर यू हैव टू गो फॉर ZZ, लेकिन मुझे ZZ में जाना नहीं है, पता नहीं, definitely I would suggest you go for a super meteor 650. We'll go for a test drive. We will go for test drive. Maybe this week we'll see how it works out. But looks promising. The vehicle is really good. The engine though, we have already seen the engine, how it performs. Absolutely. In all that condition. And they've also tested it well. Well, yeah. So I think it is going to be a very good combination of that engine with the cruiser body. So let's see. And I think Royal Enfield has learned his lesson from his previous. Absolutely, जो mistake किया है उन लोगों ने. तो I think they have come correct this time. So let's see. तो guys basically अभी Alan को मैं ऐसे ही पूछ रहा था, तो ये just उसका पहला thought process है. हम लोग बहुत सारे videos बनाएंगे. We will go to showroom and we will try to get. मैं अभी इस लोगों से पूछ रहा हूँ. सबसे पहले मैं Alan से पूछा, because he is extremely knowledgeable in bike. तो कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, तो मैं एलन से मैं फिर से हम लोग बात करेंगे. तो ये अभी जस्ट 4 मिनट का मैंने बनाया है, जो जस्ट एज अ थिंकिंग. सो मैं उसको वीडियो दिखा रहा था, तो इसने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है, तो और भी रिसर्च करेंगे. Yes. क्या बोलते हैं भाई? Yes, absolutely, yes. Yes.
तो अभी हम लोग मैं ही दिस इज व्हाट वी डू डेली बट ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम आवर वर्क यस हम तो लगे रहते हैं ऑब्वियसली इंजन परफॉर्मिंग एग्जैक्टली डेफिनेटली विल गिव मोर इन्फो बिकॉज़ इफ यू सी हिज बाइक बुलेट 500 क्लासिक जो कि 10 ईयर्स बैक का है इट्स एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कंडीशन मैं दिखाऊंगा और उसने बाइक में क्या क्या चेंजेस किए वो भी आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ मेरे को बोलना मैं फिर से लाऊंगा ओके जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन जो 500 सीसी है आई हैव कन्वर्टेड इनटू 600 सीसी इज इट सो या सो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर देम टू सी व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन फॉर द इंजन ओके हाउ इट इज इट परफॉर्मिंग तो ऑन दिस नोट मैं अभी इसको इधर ही खत्म करता हूँ ये वाला उसके लिए नहीं है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लोग मैं ऐसे छोटे छोटे जब इससे बात करता रहूंगा तो मैं आप लोगों के साथ लाता रहूंगा बिकॉज इट शुड बी आई वॉन्ट इट एज रॉ एज एज इट कैन भी क्या बोलते हैं रॉ होना से ही बेटर है कि हम लोग अपना बात शेयर कर सकते हैं और आप लोग जिस तरह से मुझे सपोर्ट किए हो थैंक यू सो मच एंड जब मैं कल शोरूम पे गया था पता है वो लोग बोल रहे थे कि देवराज भाई आप फिर से स्टार्ट करो बाइक का बनाने बिकॉज ऑफ ऑफिस अभी हम लोग ऑफिस में ही हैं डेस्क में बैठे हुए तो हम लोग बात कर रहे थे तो बीच बीच में करते रहते तो यू हैव टू सपोर्ट अस एंड गाइड अस हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड ठीक है आप लोग थोड़ा कमेंट डालो लाइक करो मोटिवेट करो तो बहुत से बनाते रहेंगे ठीक है तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग था मैं एलन से पूछ रहा था ऑन दिस चलो मिलते हैं फिर से हम लोग जब बात करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे Absolutely.